सरल आवर्त गति के उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में हम ये पांचवा उदाहरण के रूप में लेते हैं, सरल लोलक की गति। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये पांचवा पॉइंट उदाहरण के रूप में लेते हैं, सरल लोलक की गति। सरल लोलक की गति, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सरल लोलक है क्या। यदि हम कोई अत्यंत सूक्ष्म परंतु भारी, क्या है, अत्यंत सूक्ष्म और भारी कोई पदार्थ किसी भारहीन धागे से बांध कर लटका दें, तो इस तरह का जो लचकदार धागा, पूर्ण रूप से लचकदार भी होना चाहिए, भारहीन धागे से और लंबाई में ना बढ़ने वाला पूर्ण रूप से लचकदार धागा होना चाहिए। अगर हम इस तरह से बांध करके लटका देते हैं तो इस तरह का जो पूरा एक समायोजन बनता है, इसे हम सरल लोलक कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि कोई भी पदार्थ लें, इसका भार बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो सूक्ष्म हो, मतलब बिंदु आकार का हो, तो ये संभव नहीं है। धागा लंबाई में ना बढ़ने वाला, पूर्णतः लचकदार हो तो, और भारहीन भी हो, तो ये भी संभव नहीं है। तो इस तरह से जो ये एक परिभाषा बनाई गई है, ये एक आदर्श सरल लोलक के लिए परिभाषा बनाई गई है। प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं, एक ठोस धातु के गोले को हल्के धागे से बांध करके एक दृढ़ आधार से लटका देते हैं। यही व्यवहारिक लोलक ही हमारा सरल लोलक होता है। इसको माध्य स्थिति से थोड़ा सा दूर करके जब हम विस्थापित करते हैं, तो ये अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करने लगता है, और इस तरह इसकी गति को हम सरल आवर्त गति के उदाहरण के रूप में लेते हैं। अब आइए थोड़ा सा इस पे और चर्चा कर देते हैं। यदि हम एक बहुत पतले धागे को धातु के गोल ठोस गोली से बांध करके लटका देते हैं, तो इस तरह का जो समायोजन होता है, ये सरल लोलक कहलाता है। अब सरल लोलक के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या है। सरल लोलक जो ये गोला लटकाते हैं, इस गोले को कहते हैं बॉब, गोलक या बॉब। जो भारहीन धागा जिस दृढ़ आधार से लटकाते हैं, इस बिंदु को कहते हैं निलंबन बिंदु, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। निलंबन बिंदु से और गोले का जो गुरुत्व केंद्र होता है, गोले का गुरुत्व केंद्र उस गोले का केंद्र होता है, तो यहाँ से गोले के केंद्र से और निलंबन बिंदु, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसे धागे की प्रभावी लंबाई कहते हैं, गोलक की प्रभावी लंबाई कहते हैं, या धागे की लंबाई तो यहाँ से ही हुआ, लेकिन जो गोलक की प्रभावी लंबाई होगी, इस धागे की लंबाई में इस गोले की त्रिज्या को जोड़ करके प्राप्त करते हैं। तो यदि हम इसे इसके माध्य स्थिति से एक और थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ें, तो ये माध्य स्थिति के दोनों ओर एक गति करने लगती है, और इसी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। तो आइए अब प्रूफ करते हैं कि ये सरल आवर्त गति कर रहा है लोलक, और इसके लिए आवर्तकाल के लिए भी व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए हम व्यंजक प्राप्त करना चाह रहे हैं, और ये प्रूफ करते हुए कि इसकी गति जो है ये सरल आवर्त गति है। मान लेते हैं कि यह लंबाई, यल प्रभावी लंबाई ले ले रहे हैं, यल जो है ये प्रभावी लंबाई है हमारी, ये यल लंबाई का एक धागा है जिससे
एक धातु की गोली ये बंधी हुई है और इसके धागे के एक सिरे को ये दृढ़ आधार से लटका दिया गया है। इसे थोड़ा सा विस्थापित करते हैं और थोड़ा सा विस्थापित करके मान लेते हैं ये यहाँ हम ले आ रहे हैं, इसका कोणीय विस्थापन ले ले रहे हैं थीटा, और जो इसका इस तरह से रेखीय विस्थापन होगा, ये रेखीय विस्थापन मान ले रहे हैं कि ये एक्स होगा। अगर यम द्रव्यमान की हम गोली ले रहे हैं तो यम द्रव्यमान के कारण इसका भार ये नीचे की तरफ होगा, ये एम जी। अच्छा, अब देखिए चूंकि यहाँ थीटा है इसलिए इस भार के दो घटक हो जाएंगे, एक घटक ये हुआ हमारा, ये भी हमारा थीटा ही होगा, इसलिए ये घटक आपका हो गया एम जी कॉस थीटा, और इसका दूसरा घटक यह विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा जो प्रत्यानयन बल की तरह कार्य करेगा, ये होगा हमारा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ये एम जी साइन थीटा हुआ। अच्छा, और जो इस डोरी में तनाव उत्पन्न होगा ये मान लेते हैं ये टी डैश, ये डोरी में तनाव, टी से हम आवर्तकाल लिखेंगे इसलिए टी डैश मान लेते हैं ये डोरी में आवर्तकाल होगा। अब देखिए इस गोले पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल ये एम जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जिसका एक घटक एम जी कॉस थीटा हुआ, और डोरी में तनाव बल ये टी डैश। अब एक चीज़ देखते हैं, यदि यह इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के पूरा एक वृत्तीय गति कर रहा होता तो इस वृत्तीय गति के लिए जो अभिकेंद्र बल होगा वो अभिकेंद्र बल टी माइनस एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, मतलब टी माइनस एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, ये समझने की चीज़ है। तो खैर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सरल आवर्त गति के बारे में, तो सरल आवर्त गति में जो प्रत्यानयन बल होगा वो किसके बराबर हुआ, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है लेकिन बल इस दिशा में लग रहा है एम जी साइन थीटा, तो प्रत्यानयन बल किसके बराबर हुआ, माइनस एम जी साइन थीटा के बराबर हुआ। तो गोलक पर प्रत्यानयन बल, गोलक पर प्रत्यानयन बल, गोलक पर प्रत्यानयन बल यफ अगर हम लेते हैं तो यफ बराबर क्या हो गया, माइनस यम जी साइन थीटा, माइनस यम जी साइन थीटा। अच्छा, अब देखते हैं कि इस थीटा को बहुत कम विस्थापित करें, कोणीय विस्थापन जो हो वो बहुत कम हो, तो कोणीय विस्थापन अगर कम है तो कम कोणीय विस्थापन के लिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा को थीटा के बराबर ले सकते हैं, और कोण बराबर होता है हमारा चाप बटा त्रिज्या, तो ये हो गया हमारा चाप और ये हो गई हमारी त्रिज्या। अब मान लेते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हम एस से लिख दें, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये एस से लिख दें, और इस पॉइंट को अगर ए से लिख दें, ये पॉइंट हमारा ओ है, ओ से ये ए तक विस्थापित हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि चाप हमारा हो गया एक्स, मतलब ओ ए, यहाँ लिख दे रहे हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से, ये कोण तो हुआ चाप बटा त्रिज्या, और चाप हमारा हो गया ओ ए और त्रिज्या हमारी हो गई एस ए, तो इस तरह से चाप बटा त्रिज्या में को हम क्या लिख सकते हैं एक्स बाई, और त्रिज्या हमारा एल के ही बराबर होगा तो एक्स बाई एल, तो साइन थीटा की जगह पे हम एक्स बाई एल यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से यफ बराबर हमारा क्या हो गया माइनस एम जी, और साइन थीटा की जगह पे हम लिखते हैं एक्स बाई एल। अच्छा, न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम के अनुसार यही एफ ये एम अल्फा के बराबर होगा, जहाँ अल्फा ये
उत्पन्न होने वाला त्वरण है। तो अगर न्यूटन का गति विषयक हम द्वितीय नियम लें तो यह बराबर हो गया यम अल्फा। इन दोनों समीकरणों से हम देखते हैं ये न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से एफ इक्वल्स टू बी यम अल्फा। तो इन दोनों को अगर हम लें तो यम अल्फा इक्वल हो गया हमारा माइनस एम जी बाई एल और इनटू एक्स। यहाँ से यम कैंसिल हम कर सकते हैं और अल्फा इज़ प्रोपोर्शनल, एक चीज़ यहाँ और लिख देते हैं, अल्फा इक्वल्स टू भी हो गया माइनस जी बाई एल और इनटू एक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा इज़ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। तो यहाँ क्या हुआ कि जो त्वरण है ये विस्थापन के समानुपाती और दिशा में विपरीत है, इसलिए सरल आवर्त गति ये सरल लोलक करेगा। मतलब सरल लोलक की जो गति होगी वो सरल आवर्त गति होगी। अब ये देखते हैं कि इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल टी इक्वल्स टू बी टू पाई अंडर रूट विस्थापन बटा त्वरण। तो विस्थापन बटा त्वरण एक्स बाई अल्फा, एक्स बाई अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एल बाई जी। यहाँ हम एक्स बाई अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं एल बाई जी। तो टी इक्वल्स टू बी टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये हमारा हो गया क्या सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हो गया टी इक्वल्स टू बी टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। अच्छा, अब इस सूत्र में हम देखते हैं कि कहीं भी गोलक का द्रव्यमान नहीं आया, एम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक हम उदाहरण आपको दे रहे हैं कि जैसे अगर एक लड़की झूला झूल रही है और उसी झूले पर आकर के एक अन्य लड़की बैठ जा रही है तो झूले के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आइए यहाँ हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, सेकेंड लोलक। सेकेंड लोलक क्या होता है? सेकेंड लोलक, सेकेंड लोलक उस लोलक को कहते हैं जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। वह लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड, वह लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, सेकेंड लोलक कहलाता है। अब अगर हम सेकेंड लोलक की लंबाई की गणना करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, टी का मान 2 लिख दें, 2 सेकेंड इस सूत्र में मान रख दें, टी इक्वल्स टू बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सेकेंड सरल लोलक के आवर्तकाल का यह सूत्र है, टी की जगह पे हमारा 2 हो गया, टी इक्वल्स टू बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका वर्ग कर दें तो हम पाएंगे 1, ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर एल बाई जी। या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू बी जी बाई पाई स्क्वायर। तो जी का मान हमारा हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पाई की जगह पे 3.14 का वर्ग। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमको लगभग मिलता है 0.99 मीटर। तो इसे हम लगभग क्या मान सकते हैं, 1 मीटर। इसका मतलब सेकेंड लोलक की जो प्रभावी लंबाई होती है वो 0.99 मीटर या लगभग 1 मीटर होता है। ये पृथ्वी पर है, जी का मान परिवर्तित होने पर सेकेंड लोलक की लंबाई में अंतर आ जाएगा। जैसे चंद्रमा पर तल पर जी का मान लगभग 6 गुना कम हो जाता है,
तो जी बाई सिक्स हो जाएगा। तो वहाँ सेकंड लोलक की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/6 मीटर हो जाएगी। 1/6 मीटर का मतलब लगभग 16.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, ये देखते हैं कि सरल लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। सरल लोलक को प्रभावित करने वाले कारक, सरल लोलक के आवर्तकाल को, सरल लोलक के आवर्तकाल को यहाँ लिख देते हैं, सरल लोलक के आवर्त काल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो सूत्र हमको मिला टी इक्वल्स टू बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इस एल बाई जी में कहीं भी लोलक का आवर्तकाल नहीं आया, कहीं भी लोलक का आवर्तकाल नहीं आया है। परंतु जब ये देखा गया, जैसे अब सूत्र के अनुसार तो हमें ये कहना चाहिए कि आयाम पर ये निर्भर नहीं करता है, परंतु यह केवल छोटे आयामों के लिए ही सत्य है। वास्तव में क्या है कि जब हम देखते हैं कि 0 से 5 अंश, फिर 10 से 15 अंश, और इस तरह से बढ़ाते हुए 60 अंश, है ना, इस तरह से बढ़ाते चले जाएं और प्रत्येक दशा में हम आवर्तकाल को नापें, तो 10 से 15 अंश तक आवर्तकाल जो है ये लगभग अपरिवर्तित रहता है और इसके बाद ये बढ़ने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल है, आयाम का जो निर्भरता है, वास्तव में ये बढ़ता है। तो और 10 से 15 के लिए ये लगभग अपरिवर्तित रहता है। तो एक चीज़ सबसे पहले हम ये तो नोट ही कर लेते हैं कि लोलक का जो आवर्तकाल है ये आयाम पर निर्भर करता है। तो लोलक का के आवर्तकाल, लोलक के आवर्तकाल की आयाम पर निर्भरता, लोलक के आवर्तकाल की आयाम पर निर्भरता, ये लगभग जिस तरह से आयाम बढ़ता है, आयाम बढ़ने के साथ साथ आवर्तकाल बढ़ता है और 10 से 15 अंश के लिए ये लगभग अपरिवर्तित रहता है। तो 10 अंश से 15 अंश के लिए ये अपरिवर्तित रहता है। दस से 15 अंश के लिए ये अपरिवर्तित रहता है, बाकी के लिए जो जो हम आयाम बढ़ाते जाएंगे आवर्तकाल भी बढ़ता जाएगा। फिर हम अगला देखते हैं कि लोलक के आवर्तकाल की प्रभावी लंबाई पर निर्भरता, लोलक के आवर्तकाल की, लोलक के आवर्तकाल की प्रभावी लंबाई पर निर्भरता, प्रभावी लंबाई पर निर्भरता। बहुत आसानी के साथ हम समझ सकते हैं सूत्र में ही कि अगर जी कांस्टेंट है तो टी का मान ये अंडर रूट एल के प्रोपोर्शनल होगा। तो बहुत आसानी समझ सकते हैं टी इज़ प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल, मतलब लोलक का जो प्रभावी लंबाई है यह प्रभावी लंबाई का जो वर्गमूल होगा ये आवर्तकाल के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हम लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और इसको एक उदाहरण से ऐसे हम समझ सकते हैं कि यदि झूला झूलती हुई लड़की वो खड़ी हो जाए, तो खड़ी होने का मतलब कि गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा, तो गुरुत्व केंद्र ऊपर उठने का मतलब झूले की प्रभावी लंबाई घट जाती है, प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी तो आवर्तकाल
कम हो जाएगा। हम एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आवर्तकाल ये प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समान पाती है। तीसरा हम ये देखते हैं कि लोलक के आवर्तकाल की पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भरता किस तरह से होती है। लोलक के आवर्तकाल की लोलक के आवर्त काल की पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भरता इसे भी हम बहुत आसानी से इसी फार्मूले से देख सकते हैं। इस फार्मूले में अगर हम लंबाई को कांस्टेंट रखें, पृथ्वी पर लोलक को अलग अलग स्थान पर ले जाएं या लिफ्ट में लगाएं या इस तरह से अन्य कोई ऐसा कार्य करें जिससे जी का मान बदले, तो हम ये देखते हैं कि टी इज़ प्रोपोर्शनल 1/√g। इसका मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल ये गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमान पाती हो गया। सरल लोलक का आवर्तकाल टी गुरुत्वीय त्वरण जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमान पाती होता है। तो अब देखते हैं कि जैसे अगर हम लोलक घड़ी है, उस लोलक घड़ी को पहाड़ पर ले जाएं या खान में ले जाएं, तो जी का मान घट जाता है। तो जी का मान घटने पर क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाता है। इसका मतलब घड़ी ये सुस्त हो जाती है। इसी तरह से हम और उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लिफ्ट में किसी सरल लोलक को लटका देते हैं और लिफ्ट ये ए त्वरण से ऊपर चढ़ रही है। तो जब ए त्वरण से ये ऊपर चढ़ रही है तो प्रभावी त्वरण वास्तव में क्या हो गया, a+g। ऊपर चढ़ने पर प्रभावी त्वरण हो गया a+g। इसका मतलब त्वरण बढ़ गया। तो जब त्वरण बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा। और ठीक इसी की विपरीत अगर ए त्वरण से वो नीचे उतर रहा है, तो ए त्वरण से नीचे उतर रहा है तो प्रभावी त्वरण हो गया g-a। तो g-a प्रभावी त्वरण कम हो गया, इसका मतलब हुआ आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अच्छा, यदि उतरते समय या चढ़ते समय लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो वो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की भांति पूरा लिफ्ट गिरेगा। इसका मतलब उस समय प्रभावी जी का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब जी का मान शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब सूत्र के अनुसार जी का मान शून्य हो जाए तो टी का मान अनंत हो जाएगा, आवर्तकाल आपका अनंत हो जाएगा। इसका मतलब लोलक दोलन नहीं करेगा। तो इसी तरह से और भी हम चीज़ जानते हैं कि अगर लिफ्ट एक समान चाल से चढ़े या उतरे तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिफ्ट को यदि हम किसी भारहीन अवस्था में पहुंचा दें, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, अगर हम वहाँ पहुँचा दें तो क्या हो जाएगा, लोलक घड़ी वहाँ कार्य नहीं करेगी या सरल लोलक वहाँ दोलन नहीं करेगा क्योंकि जी का मान वहाँ शून्य होगा। यदि हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि एल और टी स्क्वायर के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि टी इक्वल्स टू भी हमारा 2π√L/g, इसी को हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल्स टू भी 4π²L/g। तो L/T² या L/T² ही अगर हम लेते हैं तो g/4π² ये कांस्टेंट होगा। तो L और T स्क्वायर के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। आइए थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर अनंत लंबाई का सरल लोलक लिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल,
अब सूत्र के अनुसार यदि हम देखें तो सूत्र तो हमारा क्या है, टी इक्वल्स टू बी टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये देखिए टी इक्वल्स टू बी टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, अनंत लंबाई मतलब एल का मान इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो एल का मान अगर अनंत कर दिया जाए तो इसका मतलब कि आवर्तकाल भी अनंत हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। मतलब एल को अगर हम इनफाइनाइट कर दें, एल को इनफाइनाइट कर दें तो टी इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमारा अनंत लंबाई के लिए, लंबाई अगर हम अनंत लिखते हैं तो आवर्तकाल ये 84.6 मिनट होता है। कितना होता है, लगभग 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। तो अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल ये कितना है, 84.6 मिनट। अब आइए हम देखते हैं कि ये अनंत लंबाई का जो सरल लोलक है इसका आवर्तकाल 84.6 मिनट ये किस प्रकार से है। देखिए मान लेते हैं कि ये एक सरल लोलक है, अनंत लंबाई का सरल लोलक है, ये एक तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहा है, एक तरफ मान लेते हैं ये डिस्प्लेस्ड हुआ एक्स दूरी तक, एक्स दूरी तक ये डिस्प्लेस्ड हुआ है, ये अनंत लंबाई का सरल लोलक है। अच्छा ये पृथ्वी मान लेते हैं कि ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र O ले लेते हैं, ये पृथ्वी की हमारी त्रिज्या हो गई, पृथ्वी की त्रिज्या RE ले लेते हैं, ये पृथ्वी ले लेते हैं। जो x दूरी तक ये डिस्प्लेस्ड हुआ है तो जो भी भार होगा, m द्रव्यमान का अगर हम पिंड लेते हैं तो m द्रव्यमान के पिंड का जो भार होगा वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। इसका मतलब कि एम जी ये पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। अगर ऐसी स्थिति में यह कोण हम थीटा ले लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस दिशा में एक्स के डायरेक्शन में इस एम जी का जो भाव होगा ये प्रत्यानयन बल की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ हम ये लेते हैं कि अनंत लंबाई का लोलक ले लिया हमने और ये एक्स डिस्प्लेस्ड हो गया और एम द्रव्यमान इस लोलक का है, तो भार इसका एम जी ये पृथ्वी के केंद्र की तरफ कार्य कर रहा है। यहाँ हमने ओ ओ डैश जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो कितना ले लिया, एक्स ले लिया। अब जो गुरुत्वबल है ये एम जी, इसका वो घटक, एक चीज़ थोड़ा सा है, ओ ओ डैश जो हमने लिया है तो सेंटर इसको ना वो सी ही ले लेते हैं, ये पृथ्वी का केंद्र सी ले लेते हैं, ये ओ ले लिया है ये ओ डैश लिया है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसके लिए हम पृथ्वी के केंद्र को सी ले लेते हैं। तो ये हम देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र सी की ओर दृष्ट रहेगा इसका भार, और इसका एम जी का जो इस दिशा में घटक होगा, इस एम जी का इस दिशा में घटक ये एक्स के डायरेक्शन में ये होगा हमारा एम जी कॉस थीटा। कितना होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं एम जी कॉस थीटा, ये एम जी कॉस थीटा ये माध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करेगा, इसका मतलब ये प्रत्यानयन बल की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ गोलक पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होगा, गोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल ये हमारा एफ एक्स अगर हम लिखते रहे तो माइनस एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, एफ एक्स बराबर माइनस एम जी कॉस थीटा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं ये कॉस थीटा कितने के बराबर होगा। तो कॉस थीटा अगर इस हम त्रिभुज में बात करते हैं तो कॉस थीटा बराबर आधार, हमारा आधार ओ ओ डैश हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया,
कितना हो गया ओ डैश सी। अगर हम ये पृथ्वी के अति समीप लेते हैं और इतने भाग की दूरी को हम नगण्य मानते हैं तो ये भी पृथ्वी की त्रिज्या के ही बराबर होगा। ओ डैश को हम एक्स ले लिए और पृथ्वी की त्रिज्या को आर ई ले लें, तो ये वैल्यू हम अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो एफ एक्स इक्वल्स टू भी हो गया माइनस एम जी और कॉस एक्स की जगह पे हो गया एक्स बाई आर ई। और जो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है इसके अनुसार यफ बराबर होगा एम अल्फा। तो इस एफ एक्स को अगर हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू भी यम अल्फा न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार, तो हम लिख सकते हैं कि यम अल्फा इक्वल्स टू भी माइनस एम जी और एक्स बाई आर ई हो गया। एम से एम आपका कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल्स टू भी माइनस जी बाई आर ई और इंटू एक्स। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि त्वरण ये विस्थापन के समानुपाती और दिशा में विपरीत है, इसलिए अनंत लंबाई का ये लोलक सरल आवर्त गति करेगा और यहाँ जी बाई आर ई आपका कांस्टेंट है जिसका आवर्तकाल कितना होगा टी इक्वल्स टू बी टू पाई अंडर रूट विस्थापन बटा त्वरण। तो यक्स बाई अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे आर ई बाई जी, तो टी इक्वल्स टू बी टू पाई अंडर रूट आर ई बाई जी, ये अनंत लंबाई के लोलक का आवर्तकाल होगा। तो जैसे सरल लोलक के लिए होता है टी इक्वल्स टू बी टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो एल कितने के बराबर होगा पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। यदि हम ये मान यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो टी इक्वल्स टू बी टू पाई का मान 3.14 अंडर रूट पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या का मान 6.4 और इंटू 10^6 ये मीटर में, और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 ले लेते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारी वैल्यू ये 5,075 ये इतना सेकेंड आता है, और इसी को हम ये लिख सकते हैं लगभग 84.6 मिनट। तो इस तरह से अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है।